आप सबका स्वागत है। आज हम 6 अप्रैल के ईश्वर वरदान में आ पहुंचे हैं और करण करावन हार जो कि हमसे कुछ करवाता है। कहा जाता है भक्ति मार्ग में कि भगवान ही हर कार्य करवाता है। मुझे चलाने वाला भगवान है, हर सृष्टि के एक एक पत्ते को चलाने वाला भगवान है। हम ही वो पत्ते हैं कल्प वृक्ष के। लेकिन जब हम क्रोध इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस्य इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या वो भगवान करवा रहा है? सोचने वाली बात है कि नहीं है। कि वो रावण करवा रहा है, क्या वो शैतान हमारे अंदर का करवा रहा है? तो एक होगी हमारी अपनी सोच, एक होगी परमात्मा की दी हुई ज्ञान की सोच, और एक होगी रावण की सोच। तो हम जब अपनी सोच को इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी उसमें मिक्सिंग हो जाती है। और वो मिक्सिंग किस प्रकार की होती है? हम कभी ना कभी डर के मारे कोई कार्य कर रहे होते हैं, इनसिक्योरिटी के मारे कोई कार्य कर रहे होते हैं, अहंकार के मारे कोई कार्य कर रहे होते हैं, या तो हम ईर्ष्या के मारे कोई कार्य कर रहे होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भगवान ने हमारी डोर पकड़ी हुई और हम उनकी कठपुतली हैं जब हम ईर्ष्या इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, भगवान या परमात्मा कभी किसी से ईर्ष्या या घृणा या नफरत, आलस्य या वायलेंस, क्रोध का कार्य नहीं करवा सकता। नहीं तो उनकी इतनी महिमा क्यों हो? जो कार्य गलत करवाता किसी से, उसकी महिमा नहीं होती है, उसकी बदनामी होती है, उसका पुतला बना करके जलाया जाता है, उसको शैतान कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा ने अगर हमारी डोर पकड़ी है, वो इस समय की बात है जब परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, हमें हर दिन ईश्वरीय वरदानों को सुनवाते हैं। और ईश्वरीय वरदान में भी 3 पेज के हैं, काफी सारी चीजें, ज्ञान की बातें जो कि आप सुन सकते हैं। ये तो हम सिर्फ वरदानों की बातें कर रहे हैं जो कि हमें मिलने से हम अपने विवेक को शार्पन करते हैं, तीखा बनाते हैं। तो अपनी बुद्धि को तीखा बनाना उस ज्ञान के द्वारा, यही कार्य परमात्मा हमें दे करके, हमें ठीक करके, हमें स्वच्छ बना करके फिर वो कार्य करवाते हैं। तब हम उनकी कठपुतलियां बनते हैं कि जैसे आप चाहो वैसे नचाओ, जहां खिलाओ जहां पिलाओ, जहां आप सुलाओ, जहां आप हमें ठहराओ, हम वहां रहेंगे आपके अनुसार, अपनी बुद्धि नहीं चलाएंगे ज्यादा। तो प्रबंधक कहते हैं, करावन हार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करावन करण हार भवा। निमित्त मतलब मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं। अगर मैंने किसी चीज को अपना मान लिया, जैसे कि ये इस घर को अगर मैंने अपना मान लिया, मेरा घर का कार्य हो रहा है, तो मेरा घर के कार्य में फिर मुझे गुस्सा आएगा, कुछ गलत होगा तो अहंकार आएगा, मुझे मुझे घृणा नफरत आएगी, मुझे ईर्ष्या भी हो सकती है किसी और को देख करके। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं है, ये धरती भी मेरी है, ये घर भी मेरा है, तुम्हें दिया हुआ है, तुम एक ट्रस्टी हो, तो उस अनुसार इस घर के कार्य को करवाओ। या घर में साफ सफाई करने लोग आते हैं, उसको उसके हिसाब से करवाओ। कुछ टूटता है फूटता है तो उसमें गुस्सा मत करो, अहंकार मत करो, क्योंकि वो सारी चीजें मेरी टूटी हैं, तुम्हारी नहीं टूटी हैं। तो परमात्मा हमें ये सारी चीजें एक निमित्त बन करके करने के लिए कहते हैं। देखिए परमात्मा आगे कहते क्या है, बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावन हार बन निमित्त करण हार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। क्या हम वो करण हार हैं? क्या हमारे अंदर वो गुण है जो कि परमात्मा हमसे वो कार्य करवाएं? क्या हम उस लायक बन रहे हैं? ये हमें सोचने की बात है। आप किसी भी चीज को करवाना चाहेंगे, अगर आप एक कोई प्लम्बर को भी ढूंढते हैं, वो प्लम्बर भी आप चाहते हैं कि ऐसा हो जो कि अच्छा कार्य कर रहा हो, सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो और कार्य भी अच्छा करने वाला हो, तो आप ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जो कि लायक हो, समझदार हो, राइट? उसी तरीके से परमात्मा भी क्यों ना ऐसी आत्मा को चुने जो कि उनके कार्य में कोई विघ्न ना डालें, कोई गलती ना करें। तो परमात्मा भी कहते हैं कि करण करावन हार, करण मतलब कि जो कार्य करवाने वाला, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। करणहार हम हो गए और करावनहार परमात्मा पिता हो गए। हाथ बच्चों का और काम बाप का। बुद्धि किसने दी? परमात्मा ने। गाइडेंस किसने दी? परमात्मा ने। हमने सिर्फ क्या लगाया? हाथ लगाए, उंगली लगाई सिर्फ। मेन कार्य किसका होता है? परमात्मा का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है कि चलो हम परमात्मा के इस कार्य में हम हाथ बढ़ाएं, हम औरों को भी इस विद्या के द्वारा, हम औरों को भी इस विद्या के द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की अंजलि दें, औरों को भी विवेक बांटे जो परमात्मा ने दिया। ये हमारा ज्ञान नहीं है, अपनी खुद का बुद्धि का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ये मेरी समझ नहीं है, ये परमात्मा की समझ। ये वरदान मेरा नहीं है, परमात्मा का वरदान है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर निमित्त हूँ, इसको व्याख्या, इसको और विस्तार करने के लिए सिर्फ मिला है। लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है ना? कि कभी कभी क्या होता है, हम अपने जीवन में कार्य करते हुए अगर हम सोचे हम अपनी बुद्धि से कर रहे हैं तो हम थक जाते हैं। जब हम बोले कि नहीं, ये परमात्मा का कार्य है, परमात्मा की चीजें, परमात्मा की वस्तु है, परमात्मा की जमीन है, बिल्डिंग है, भगवान की बिल्डिंग है, भगवान का दिया हुआ बिजनेस है, तो करवा कौन रहा है? परमात्मा
परमात्मा कब आ रहे हैं। तो ये खेल किसने रचा? हम कहते हैं परमात्मा ने रचा, लेकिन क्या क्रोध अहंकार वाला खेल परमात्मा ने रचा? नहीं, वो तो हमने उसमें क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी। इस कारण से हर चीज मुश्किल और हर चीज में विघ्न हमें दिखते हैं। अगर हर कोई इस दुनिया में क्रोध अहंकार ईर्ष्या घृणा नफरत छोड़ दे तो आज हर बिजनेस, हर कार्य, घर चलाना भी बहुत ही ईजी हो जाएगा, लोभ भी छोड़ दे तो। बस यही बात रहेगी ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा करवा रहा है जब ये सारी गलत तरीके से काम होते हैं। निमित्त बनाए चला रहा है, कौन चला रहा है? परमात्मा पिता। हर कर्म में करावन हार के रूप में साथी है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अगर हम उनकी याद में, बाय द वे, ये नहीं कि हमने अपनी बुद्धि चलाई, हमने क्रोध से कोई कार्य करवा दिया, ठीक कर दिया उसको, हमने डांट करके फटकार करके अपने काम करवा लिया, तो भगवान ने करवाया मुझसे, नहीं, ये गलत अशुद्ध अहंकार हो जाएगा। तो हर कर्म में करावन हार के रूप में साथी है। जब हम बिल्कुल विजडम से कार्य करते हैं, क्रोध कब आता है? जब हमारे अंदर किसी सिचुएशन को, किसी व्यक्ति को हमारे अनुसार विवेक के द्वारा चलाने की बुद्धि ना हो, तब हम क्रोध को इस्तेमाल करते हैं। या हम आपस में टकराव करने के लिए आपस में ईर्ष्या या वैर लाते हैं हम आपस में, ताकि हमारा नाम बड़ा हो, वो झगड़ा करे और हम आगे बढ़े। जैसे भारत को क्या किया, भारत में ही जितने भी राजा रानी थे उनको आपस में लड़वाया और ब्रिटिशर्स ने माल खा लिया। तो हम भी क्रोध जब इस्तेमाल करते हैं या मैनिपुलेशन इस्तेमाल करते हैं, तो वो परमात्मा के अनुसार नहीं है, तब वो हमारा साथी नहीं है, तब हम अपने ही जंजाल में और फंसते जाते हैं और काम को बिगाड़ते जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझ आती हैं जब हम परमपिता परमात्मा के हृदय के महावाक्यों को सुनते हैं। आप भी आइए ब्रह्म कुमारी इसमें 7 दिन का कोर्स करिए और ऐसे 3-4 पेज के महावाक्यों को आप भी आज करके सुनिए। ओम शांति इसके साथ।